Hello guys, welcome back to my channel and that is Smart Beauty. And yes, so काफी दिनों के बाद मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ एंड आई प्रॉमिस गाइज कि अब वीडियोज रेगुलर आएंगी. वीडियो इसमें आई वॉज नॉट वेल सो मैं कंटिन्यूसली वीडियोज नहीं बना पा रही थी आप लोगों के लिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वाला वीडियो जिसमें मैं आपको एक हॉल शेयर करूँगी. हॉल है नायका का और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ये है नायका का हॉल और मैंने कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम ऑर्डर की हैं तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं सही है. कुछ मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी जो कि मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ. यूज़ करने के बाद उनका रिव्यू कैसा है वो चीज़ें कैसी हैं ये मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी अपनी आने वाली वीडियोज़ में. हर पैकेजिंग की बात करूँ बहुत अच्छी पैकेजिंग में रखे देता है नायका. मैंने बहुत सारा सामान मंगाया नायका से. सो दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स और भी हैं जो बाहर निकल गए हैं जैसे कि दिस वन एंड दीज टू. सो निकल गए कुछ बाहर और भी दो तीन कार्टन थे तो ये सामान मैंने मंगाया है काफ़ी दिन पहले. अभी का नहीं है क्योंकि अभी COVID-19 चल रहा है काफ़ी टाइम पहले का. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो मैंने मंगाया है ये शावर जेल. ये लक्स का मैजिकल स्पेल फॉर इनरिचिंग इंचेंटिंग लॉन्ग लास्टिंग प्रेग्नेंट स्किन है. मतलब ये क्लेम करता है कि लॉन्ग लास्टिंग चलता है बट आई मस्ट से कि एक घंटे तक इसकी खुशबू रहती है उसके बाद नहीं रहती. खुशबू की बात करूँ बहुत अच्छी जैस्मिन वाला जो इसका फ्लेवर आता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी है. तो अगर आप उससे नहाते हैं तो एक घंटे दो घंटे तक उसकी खुशबू लास्ट रुक रहती है उसके बाद सब उड़ जाती है. ठीक है तो 99 रुपीज़ में बुरा नहीं है ये 99 का आता है और बैक कैमरे से मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी डोंट वरी. तो ये 99 रुपीज़ का है और डिस्काउंट के बाद ही मुझे 99 का ही पड़ा बट शॉप पे इजीली मिलते नहीं है और आई थिंक दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट इन शावर जेल. सबसे ज़्यादा सस्ता होता है. दूसरी चीज़ जो मैंने मंगाई है वो मंगाया मेरा फेवरेट मोस्ट फेवरेट माई मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर की बात करूँ तो मुझे एलो हाइड्रेट एलो हाइड्रेशन का नीविया का बहुत अच्छा लगता है ये. तो मैंने इसका बड़ा वाला पैक होता है 200 ml का है ये और ये 200 ml का मुझे पड़ा है 270 रुपीज़ का. 270 का पड़ा है 275 इसकी MRP है. ठीक है इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से खुलती है और प्रोडक्ट की बात करूँ मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. मैं इसे 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है. आपकी स्किन में मॉइस्चराइज कर लेता अच्छे से. आप इसे फेस पे बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हो और 48 आवर्स का स्टे करने का ये क्लेम करता है बट आई मस्ट से कि ये यू नो 12 घंटे ये ऐसे 12 घंटे स्टे करता है आपके फेस पे. अगर मतलब 24 घंटे में आप एक बार भी अप्लाई करते हो आपके फेस पे आपका फेस ड्राई और पैची नहीं लगेगा. स्किन टोन भी इम्प्रूव करता है ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मुझे अच्छा लगता है. तीसरी चीज़ जो मैंने मंगाई है वो मैंने ना कॉम्बो मंगाया है गाइस एक और दिस इज़ अ कॉम्बो ऑफ जेलेट वीनस ब्रीज जेल बार्स विद एवोकाडो ऑयल फॉर ग्लाइड एंड फ्रेशिया सेंट. दिस इज़ अ रेजो एंड दिस वाज अ कॉम्बो. तो मैंने इसका पूरा कॉम्बो मंगाया था. ये कुछ 300 अराउंड समथिंग पड़ा था मुझे. अगर प्राइस मैं बिल में देखूंगी तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी यहाँ शो हो जाएगा अगर होगा तो. तो इस कॉम्बो के साथ दिस वाज अ रेजर और उसके साथ ये वाला एक रेजर मेरे को इसी कॉम्बो में मिली थी और ये पूरा कॉम्बो ना मेरे को 360 अराउंड समथिंग मिला था. बात करूँ बहुत अच्छी आती है अंदर से. रेजर कैसा होगा ये मैं आपको अपनी रिव्यूज़ में शेयर करके बताऊँगी. इसका एक और फ्लेवर है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वीनस का ही जो बहुत अच्छा निकला. मैं उसको 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मुझे उसमें कोई भी कुछ भी उसमें ऐसा मुझे जैसे स्किन कट हो गई है रैशेज हो गए ऐसा कुछ मुझे तो फील हुआ नहीं. सो मुझे तो अच्छा लगा वो तो यस दीज टू थिंग्स आपके पास शाइन कर रही है मेरे टॉप पर.
प्रोडक्ट की बात करूँ मैं तो मैंने मंगवाए हैं ये दो मिस क्लेयर के लिप बाम दो। यस, कोई इसमें मुझे ऑफर तो नहीं मिला गाइस, 10-20 रुपए का बस फर्क था उसमें। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है 135 रुपीस का ईच, 135 का है ये एक इसका पीस, तो दो मैंने लिए हैं ये 135 रुपीस में। इसका शेड बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेडी फिंगर वाला शेड है ये। ये ना आपके फेस पे लिप बाम प्लस लिपस्टिक का काम बहुत अच्छा करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, उसके साथ साथ ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज के साथ आपको एक कलर भी देता है। तो ये जो कलर इसमें दिख रहा है ना भी आपको, ये वाला पर्पल सा कलर, आई डोंट नो आर यू एबल टू सी और नॉट, सी, सो द सेम कलर, ये सेम कलर ही आपकी यू नो फेस आपके लिप पे छोड़ के जाता है ये। और बहुत ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैंने इसे दो शेड मंगा ली क्योंकि शॉप्स पे नहीं मिलता है। सो यस, इनका भी रिव्यूज मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ इसका, आप देख लेना वीडियोस में, अदरवाइज मैं इसका भी रिव्यू एक बार और दूंगी आपको, ठीक है। इसका सारा स्वॉच दिखाऊंगी हैंड पे करके और लिप्स पे करके कैसा लगता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने मंगाया है हेयर मास्क, और ये जो हेयर मास्क है हिमालय का है, सही वो भी मैं दे चुकी हूँ आपको, बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है। सबसे अच्छी बात है कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये बस 80 रुपीज़ में आता है, अंडर 100 रुपीज़, और 80 रुपीज़ में आपको ये इसकी इतनी सारी क्वांटिटी मिल जाती है जो आप दो बार यूज़ कर सकते हो एलोवेरा जेल लगा करके, अगर आप ये हेयर मास्क यूज़ करते हो रेडीमेड हेयर मास्क, दिस इज वेरी नाइस हेयर मास्क, सो यू कैन अप्लाई। सो मैंने ये मंगाया था। नेक्स्ट जो है वो मैंने मंगाया है नीविया का टोटल फेस क्लीनर, और ये मैंने बड़ा वाला पैक मंगाया है जो मुझे 225 रुपीज़ का पड़ा है। इसका छोटा भी आता है, आप वो भी ले सकते हो, दिस इज़ वेरी नाइस। फेशियल किट नहीं है आपके पास, स्क्रब नहीं है आपके पास, लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत हो रही है, चलो। यस, सो अगर आपके पास नीविया का कोई भी फेशियल किट नहीं है या फिर कोई स्क्रब नहीं है, यू कैन गो विद इट। ये फेस वॉश का काम, स्क्रब का काम, फेशियल का काम, सबका काम 2-in-1 करता है, और ये एक पैक आपका 6-8 महीने आराम से चलता है, सो दिस इज सो वर्थ एवरीवन, यू कैन बाय दैट अगर आप लेना चाहते हो। इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, मेरी खुद की स्किन जो है ना वो सेंसिटिव है, तो मुझे हर चीज़ फेस सूट नहीं करती है, सो आई गो विद इट। ये एज अ फेस मास्क भी यूज़ हो जाता है, एज अ फेस पैक भी यूज़ हो जाता है, एज अ स्क्रब भी यूज़ हो जाता है, दिस इज़ एन ऑसम प्रोडक्ट। इसके बाद जो मैंने मंगवाया है वो छोटू सा क्यूट सा बैग, दिस इज दिस वादी हर्बल, और दिस इज ऑल्सो लिप बाम, आई एम अ फैन ऑफ लिप बाम, आई लव लिप बाम मोर देन द लिपस्टिक, सो दिस इज वादी का है ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम, और छोटू सा पैक है कैन यू सी, और इसका प्राइस भी ना बहुत ही अच्छा है। प्राइस की बात करूँ मैं तो ये 6 ग्राम, सबसे पहले मैं इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ, 6 ग्राम क्वांटिटी है इसकी, और प्राइस मैं कब से कोशिश कर रही हूँ देखने की, यहाँ पर है ही नहीं, मैं अपने बिल में से देखिए आपको इसका प्राइस बताती हूँ गाइस। तो इसका प्राइस है 49 रुपीज़ ओनली, सो एक्चुअली मुझे 48 रुपीज़ में पड़ा है, इसकी एम आर पी है वो 49 रुपीज़ है, तो 48 रुपीज़ का पड़ा है, 48 रुपीज़ में प्रिंटेड लिप बाम मिल रहा है। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, कैसा है मुझे नहीं पता, यूज़ करने के बाद आपके साथ एक बार जरूर शेयर करूँगी। सो दिस इज द लिप बाम, दैट्स इट गाइस। उसके बाद मैंने एक ये चीज़ मंगवाई है, ये है पैनी का हेयर रेजर, मैंने इसको निकाल के भी देखा था, यूज़ तो नहीं किया अभी, ये मुझे 98 रुपीज़ का पड़ा था, इसकी MRP 99 रुपीज़ है, ये चाइनीज ब्रांड है, नॉट इंडियन वन, फैदर पैनी, इसका नाम फैदर पैनी है, और ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, जब मैंने उसमें फ़ोटो में देखा था ना, मुझे लगा किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगा, बट ये स्किन जैसा आता है ना ऐसे बॉक्स में आता है, बट नेवर माइंड, क्योंकि हमें पैकेजिंग का क्या करना है, अंदर की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी उस रेज़र की बहुत अच्छी है। सो ये फेशियल रेज़र होता है, मैं इसे भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, कैसा है क्या इसका एक्सपीरियंस है, दैट आई विल शेयर विद यू, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि खरीदो या नहीं खरीदो। अभी फिलहाल मैं बस ये बता रही हूँ मैंने खरीदा है 98 रुपीज़ में, सो ये
कैप के साथ आता है, प्लास्टिक की बात करूँ बहुत अच्छी है, स्टेडी फैक्ट प्लास्टिक है इसकी, यहाँ कैप आता है वाइट कलर का और आप कैप को निकालोगे तो यहाँ पर आपने रेजर मिलता है, ये आपके फेस आईब्रोज बनाने के और फेस पे जो भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको निकालने के काम में आता है। तो कैसा है ये मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी, इसका पूरा रिव्यू दूँगी मैं, डोंट वरी। तो यस, ये पैकेजिंग बहुत गंदी है लेकिन हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और 99 में बहुत है या नहीं ये तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो दैट्स इट गाइस, उसके बाद मुझे ये बिल रिसीव हुआ और इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो इसी से उन्होंने ऐसे कागज को ना ऐसे कट कट कर करके उसके ऊपर लगाया था ताकि प्रोडक्ट जो है ना वो डैमेज नहीं होते हैं। सो ये इस तरीके की इसमें पैकेजिंग लगी हुई थी, इसमें दो कागज की पॉली बैग्स में भी अटैच किया था। तो नायका की बात करूँ बहुत अच्छे से ऐसे कार्डबोर्ड के अंदर पैक करके आपको प्रोडक्ट्स देते हैं और पैकेजिंग भी अच्छी होती है, दो दिन लग गए थे सामान डिस्पैच होने में यहाँ पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक साथ 10-12 चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और कभी कभी प्रोडक्ट्स उनके पास नहीं होते तो वो 2-3 कोरियर में आपको रिसीव होते हैं। तो यस, ये चीज़ें होती हैं, अदरवाइज आप कैश ऑन डिलीवरी लो या आप पैसे पे कर दो, बट यस नायका से एक्सपीरियंस अच्छा होता है। बस आप वहाँ से ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत खरीदना क्योंकि उनके टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लेना एक बारी, क्योंकि इसमें रिटर्न पॉलिसीज ना मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, अच्छी नहीं है पर्सनली मैं बोलूँ नायका पे रिटर्न पॉलिसीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ख़राब निकला है बाय डिफॉल्ट कुछ अच्छा नहीं निकला है तो आप कॉल करते करते पागल हो जाओगे बट वो रिटर्न नहीं होता। सो डोंट गो विद टेक्निकल थिंग्स, डोंट गो विद हेयर स्ट्रेटनर ड्रायर, अलग से किसी और वेबसाइट से खरीद लो आप। लेकिन यस, मेकअप प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो यहाँ पे, थोड़े थोड़े मंगवाओ ज़्यादा चीज़ों में भी, कभी कभी ऐसा हो जाता है आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवा रहे हो तो कुछ मिसयूज़ हो जाती है, कुछ मिसप्लेस हो जाती हैं और फिर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो गाइज, अगर आपको मेरा ये हॉल अच्छा लगा, मेरी चिट चैट अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें हॉल वीडियोज़ देखना पसंद है। थैंक यू, बाय बाय।